हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट टी20 मैच जो खेला जाएगा ईडन पार्क पे। तो स्टूडियो में आपको बताऊंगा हेड टू हेड मैचेस में क्या होता है, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तो क्या सामने निकल कर आता है, जब इस वनडे के ऊपर मैचेस हुए ईडन पार्क पे तो कौन से प्लेयर्स और परफॉर्मेंस देके आते हैं, आपको अपनी ड्रीम 11 टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है, और आखिर के अंदर आपको बताऊंगा प्रैक्टिस मैचेस का स्टैट्स। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली यहाँ पे, तो आपको बना रहना अंत तक। तो बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं ये मैच ईडन पार्क ऑकलैंड के अंदर खेला जाएगा और यह मैच करीबन सुबह के 11:30 पे स्टार्ट होगा। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने टेलीग्राम के अंदर जाना है, वहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है @StatsGuruji। आप जैसे ही सर्च करते हो एक चैनल मिल जाएगा, इसमें आपको करंटली 54,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टैट्स गुरुजी का लोगो दिख जाएगा, आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, यहां पे बहुत सारी फेक चैनल्स बनी हुई, ठीक है, तो आपको ध्यान से हमारे चैनल को ढूंढना है। यहां पे लिखा रहेगा @StatsGuruji, उसके अंदर 54,000 सब्सक्राइबर्स रहेंगे, ठीक है, या फिर मैं आपको लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या स्पेशल पिच के बारे में, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ पिच रिपोर्ट पे। जो ईडन पार्क की पिच है ना दोस्तों, वो जानी जाती है किसके लिए, रन्स के लिए। यहाँ पे ना दोस्तों बैटिंग डोमिनेशन होगा, आपको डोमिनेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बैट्समैन डोमिनेट करेंगे बॉलर्स के ऊपर, मतलब यहाँ पे बैट्समैन अच्छे खासे रन्स बनाएंगे, बॉलर्स थोड़े से यहाँ पे परेशान रहेंगे, ठीक है, और न्यूट्रल पिच रहेगी, यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को बराबर की मदद मिलती है। लेकिन अगर अपन स्टैट्स देखेंगे ना तो पता लगता है यहाँ पे क्या कि बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है, और जो यहाँ पे पेसर्स रहते हैं ना, जिनके पास एक्स्ट्रा पेस रहता है, जो अधिक तेज बॉलिंग कराते हैं ना, जैसे लुकी फर्गसन आपने देखा रहेगा, ऑस्टिन थॉमस देखा रहेगा आपने, वो लोगों के यहाँ पे अच्छी खासी मदद मिलती है, एक्स्ट्रा बाउंस उनको विकेट से मिलता है, और जो वेरिएशंस कराते हैं, जो थोड़ी बहुत कटर्स वगैरह डालते हैं ना, उनको भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है। स्पेशल मदद किसको मिली है, यहाँ पे जो पेसर्स होते हैं ना, कौन से जो एकदम तेज बॉल डालते हैं, उनको ज्यादा मदद मिली है। और यहाँ पे लास्ट 8 मैचेस में क्या हो, आप समझो यहाँ पे चीजों को, कि 7 बार ऐसा हुआ चेस करने वाली टीम जीती है। तो ईडन पार्क पे क्या होता है, जो टीम चेस करती है ना ज्यादातर मैचेस जीतती है। इवन यहाँ पे 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि 200 प्लस के टारगेट यहाँ पे चेस हो चुके हैं, ठीक है। इस वेन्यू के ऊपर दोनों टीम्स ने आपस में 3 दफा खेला, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार कौन जीती है, पाकिस्तान जीती है। आप सोच के देखो, न्यूजीलैंड और यहाँ पे पाकिस्तान ने, दोनों ने 3 मैचेस खेले हैं स्वर्ण के ऊपर, ईडन पार्क इंग्लैंड पे, और यहाँ पे पाकिस्तान 2 बार जीती है। तो थोड़ी सी फेवरेट रहती है पाकिस्तान, और यहाँ पे स्ट्रेट बाउंड्रीज ना 62 मीटर की रहती है, और स्क्वायर बाउंड्री बड़ी है, तो यहाँ पे बैट्समैन ज्यादातर आपको दिखेंगे सीधे शॉट्स मारते हुए रेदर देन यहाँ पे मिड विकेट की तरफ, ठीक है, या दूसरा कोई यहाँ पे 140-181 तो दिखेगा, इससे ज्यादा भी बन सकता है मेरे हिसाब से बनेगा। और यहाँ पे पेसर्स ने लास्ट 14 मैचेस के अंदर 101 विकेट निकाले, और यहाँ पे स्पिनर्स ने 40 विकेट निकाले हैं। और आपको स्पेशल फैक्टर क्या बताऊँ यहाँ पे, क्या है? देखो यहाँ पे जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी थी, ठीक है, ये मेरी आंखों की देखी हुई ऑब्जर्व चीज़ है, कि इसके अंदर हुआ क्या, जो ईडन पार्क है ना, वहाँ पे लेफ्ट आर्म बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। एक तो आप लेफ्ट आर्म पेसर्स को देख लो, और या फिर आप देख लो यहाँ पे जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होते हैं ना, जैसे मिचेल सैटनर, इमाद वसीम, उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी यहाँ पे। और लास्ट मैच में क्या हुआ था यहाँ पे, आपको पता है, ये आई थिंक 26 तारीख को खेला गया था, किस किस के बीच में खेला गया था, अभी बताऊँ आपको, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। इसके अंदर क्या होता है, 11 विकेट यहाँ पे तेज गेंदबाजों ने निकाला था, उसके अंदर 5 फॉर तो लुकी फर्गसन ने निकाला था, याद है ना आपको, केरन पोलार्ड ने यहाँ पे 77 की पारी खेली थी, और 0 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स निकाले थे। यहाँ पे पेसर्स थोड़े से आ गए, और सनी वेदर रहेगा, इससे बेहतरीन बात आप करके आ सकते, एक मैच अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, आगाज करें अपन यहाँ पे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेली, तो क्या, दोनों टीम्स ने आपस में 6 दफा खेला है 2017 से लेकर 2020 तक। न्यूजीलैंड यहाँ पे 1 बार जीती है, और पाकिस्तान 5 बार जीती है। पाकिस्तान मेरी फेवरेट यहाँ पे रहेगी थोड़ी सी। यहाँ पे बात करते हैं लाइनअप्स की, आपको पता रहेगा केन विलियमसन बाहर हो चुके हैं पहले, यहाँ से टिम साउदी, फिर आपने ट्रेंड बोल्ड, वो सबको रेस्ट दिया गया। तो आप देखो यहाँ से क्या होगा, मार्टिन गप्तिल का होम ग्राउंड है, ये आपको फोटो दिख रही है, इसका मतलब है होम ग्राउंड है, ये ऑकलैंड के हैं मार्टिन गप्तिल। गिव अवे क्या है, #StatsGuruji लिखना, आपका #, सही से लिखा करो, आप लोग लिखते नहीं हो, तभी भी मैं आपको गिव अवे दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि आपकी वजह से इस मुकाम पे हूं, तो आपको देना मेरा फर्ज है, आपको सही लगाना है StatsGuruji, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, MG, या फिर आप लिख देना मार्टिन गप्तिल, आप कैसे भी लिख दो, मैं चाहता हूं आपका काम थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो आप MG इक्वल्स टू लिख देना कितने रन बनाएंगे, मार्टिन गप्तिल 10 रन बनाएंगे, 11 रन बनाएंगे, आपको कितना रन लगता है ना, सिर्फ 1 पर्सन 1 कमेंट अलाउड, आप 2-2 कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे, और एडिट नहीं करना आपको कमेंट, डेडलाइन से पहले बताना आपको। और यहाँ से देखो, फिर ओपनिंग कौन करेगा, टिम शेफर्ड करेंगे, साथ फिर डेविन कॉनवे,
एक उभरता हुआ सितारा साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है, खेलता है न्यूजीलैंड के अंदर आके। फिर आएंगे यहाँ से ग्लेन फिलिप्स, ये क्या राइट ही बैटिंग करते हैं, डेवन कॉनवे लेफ्टी है और इनका होम ग्राउंड है ग्लेन फिलिप्स का। फिर आएंगे यहाँ से जेम्स नीशियम, फिर आएंगे यहाँ से कौन, ये आएंगे यहाँ से मार्क चैपमैन, ये क्या लेफ्टी बैटिंग करते हैं, इनका होम ग्राउंड इंग्लैंड का। फिर आएंगे ऐसे मिचेल सैटनर, एक कप्तान साहब इस टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं दूसरी दफा, पहली बार कर रहा था तो मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, ये क्या लेफ्टी बैटिंग, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। आएंगे डग ब्रेसवेल, फिर आएंगे ऐसे स्कॉट कुगलेजिन, इशोरी, जैकब डफी। यहाँ पे बात करते हैं पाकिस्तान की, यहाँ पे बबर अजम अवेलेबल है। ठीक है, पहले बता दो आपको, बहुत से लोगों को पता भी यहाँ पे रहेगा जो टेलीग्राम वगैरह से जुड़े रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे बबर अजम को ना हाथ के अंदर प्रैक्टिस सेशन के अंदर बॉल लग गई थी, तो उनका कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ आया था ऐसा, तो वो इस मैच में खेलेंगे नहीं। सिलेक्शन परसेंटेज 80 के ऊपर है हर फैंटेसी के अंदर, तो आपको ध्यान देना, वो बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। जैसे लाइनअप्स आउट होती ना, सब भागे भागे जाके हटा देखें बाबर अजम को। यहाँ से देखो मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, इनके साथ एक अच्छे खासे बैट्समैन है। फिर आते हैं यहाँ से अब्दुल्ला सफीक, इनके बारे में बताऊंगा क्यों स्पेशल रहेंगे, कब लेना है इनको, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर क्यों रहता है अब्दुल्ला सफीक। हैदर अली आएंगे, इमर्जिंग स्टार प्लेयर, मोहम्मद हफीज एक आला दर्जे के खिलाड़ी, शादाब खान इस टीम की कैप्टनसी करेंगे, इस भाई ने अच्छे तरह से कैप्टनसी करी हुई है पहले भी। फिर आएंगे यहाँ से इफ्तिकार अहमद, इस भाई के प्रैक्टिस मैच स्टैट्स आपको बताऊंगा, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, वहाब रियाज, सईद शाफरीदी, हरीश श्रॉफ। यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिस मैचेस के स्टैट्स की, तो आप देख रहे हैं पे क्या हुआ प्रैक्टिस मैचेस के अंदर, पाकिस्तान ने दो प्रैक्टिस मैचेस खेले थे। आई थिंक आपको कोई भी वेबसाइट पे स्टैट्स मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, चैनल बंद कर दूंगा मेरी, ठीक है। ये स्टैट्स देखो दोस्तों किस तरह से निकले कि जो पाकिस्तान की टीम थी ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, एक थी ग्रीन पाकिस्तान, एक थी पाकिस्तान वाइट, ठीक है, झंडे के अंदर भी वही कलर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, यू लोगों ने क्या करा, पहले बैटिंग करी ग्रीन ने, इसकी तरफ से मोहम्मद हफीज ने 48 की पारी खेली थी। जिस मैच में खेलेंगे ना उनके लिए मैंने उन स्टैट्स निकाले, ठीक है, जैसे कि सईद शाफरीदी ने 6 विकेट निकाला था, सोच के यार बॉलर ना अलग फॉर्म से गुजर रहा है, आखिरी के अंदर हैम्पशायर की T20 ब्लास्ट होती है ना उसके अंदर 5 निकाला। फिर आता है यहाँ पे नेशनल T20 कप के अंदर, उसके अंदर 2 या 3 5 निकाला, बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है। फिर यहाँ से आप देखो टारगेट कितना बना, फिर यहाँ पे टारगेट आप देख रहे हो, ये लोगों ने बनाया था ग्रीन ने 150, 8 विकेट गवा के 20 ओवर में। इनको टारगेट कितना दिया गया था वाइट्स को, 175 का रिवाइज टारगेट था। इनको कहा था कि थोड़ी सी टीम वीक है, इसके अंदर बड़े खिलाड़ी नहीं है, तो आप यहाँ पे 175 चेस करो, तो टीम ने 160 बनाए थे, इसके अंदर अब्दुल्ला सफीकी ने 35 करा, जिशन मलिक शायद खेलेंगे नहीं, हैदर अली ने 45 करा था, वहाब रियाज, इमाद वसीम, उस्मा कादिर ने 2 विकेट निकाले थे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं क्या जो सेकंड मैच हुआ था, वो एक कंबाइंड मैच हुआ था, मतलब कि उसके अंदर टीम्स डिवाइडेड नहीं थी, हर बैट्समैन को चांस मिला था बैटिंग करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इफ्तिकार अहमद ने 102 की पारी खेली थी, 48 बॉल्स के अंदर बहुत बुरा मारा था, हंसी मजाक में हिटिंग कर रहे थे वहाँ पे। अब्दुल्ला सफीक फिर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर, 38 करा, पहले मैच में आप देख रहे हो कुछ आई थिंक 35 की पारी खेली थी, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ से क्या करा इस भाई ने, उसने तल्लत ने 24, फहीम अशरफ ने 2 विकेट निकाला प्रैक्टिस मैचेस में, वहाब रियाज ने फिर से 1 विकेट, तो वहाब रियाज एक हटके पिक निकल रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस में, भाई ने अच्छा करा था। फिर यहाँ पे बात करते हैं जब दोनों टीमें आपस में खेली तब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने रिसेंट फॉर्म भी लिखा आपके लिए, यहाँ से न्यूजीलैंड जब खेलती है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो मार्टिन गप्टिल ने ना पाकिस्तान के अगेंस्ट में हेड टू हेड मैचेस में 15 मैचेस खेले उनके खिलाफ में, और 450+ रन्स है, हाईएस्ट 87 है, 33 की एवरेज है, ये थोड़ा अच्छा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ में। इनका एक प्लेयर बैटल बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और इनका रिसेंट फॉर्म देखो कैसा है, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ में सीरीज हुई थी ना आपको पता रहेगा नवंबर के अंदर हुई थी, जिसके अंदर न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज थी, जिसके अंदर बस एक पोलार्ड साहब चले थे, इधर से चले थे ग्लेन फिलिप्स और डेवन कॉनवे। तो उसमें क्या हुआ था, इस भाई ने 3 मैचेस खेले थे, सिर्फ 39 रन थे। यहाँ से आएंगे फिर टिम शेफर्ड, इस भाई ने 3 मैचेस खेले पाकिस्तान के खिलाफ में, सिर्फ 11 रन है, तब ये बहुत नीचे बैटिंग करते थे नंबर 5 पे, और इनका रिसेंट फॉर्म देखो 3 मैचेस में सिर्फ 35 रन थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में, और ये पहली पारी के अंदर अच्छा करते हैं, 29 के एवरेज है पहली पारी में, दूसरी पारी में 20 के एवरेज है। फिर आएंगे यहाँ से डेवन कॉनवे, बहुत अच्छा रिसेंट फॉर्म है, एक आला दर्जे का खिलाड़ी है, 3 मैचेस में 106 रन थे इसके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में। आएंगे ग्लेन फिलिप्स, 5 मैचेस के अंदर 10 की एवरेज है इसकी पाकिस्तान के खिलाफ में, थोड़ा सा अटकता है पाकिस्तान के खिलाफ में पता नहीं क्यों, 51 रन है 5 मैचेस में, हाईएस्ट 26 है, और इसका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, आपने देख रहेगा भाई ने सेंचुरी जड़ी थी, मैं कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड की सबसे फास्टेस्ट T20 सेंचुरीज भाई के नाम है, बहुत बड़ी बात होती है यार, 3 मैचेस के अंदर 130 रन से, पहली पारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 40 के एवरेज, और दूसरी पारी के अंदर 28 के एवरेज है। आएंगे नीशम साहब, 2 मैचेस में 3 विकेट है, 13 रन है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 3 मैचेस में 48 रन थे, 1 विकेट था, इतना कह सकता हूँ कि ये एक मैच में कुछ बड़ा करते हैं, फिर आखिरी मैचेस में कुछ नहीं करते हैं। आप ऐसे मत सोचना कि आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे, क्या पता सीरीज में दे दे, लेकिन जो पास्ट की जो सीरीज हुई थी ना
पिछली, उसके अंदर इस भाई ने कभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिया। एक मैच में चलता है उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स देगा 50-60, फिर बाद में 10-15 पॉइंट्स देता है, यानी कि मार्क चैपमैन। एक मैच में दो की एवरेज इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे इतने। मिचेल सैटनर 7 मैचेस में 31 की एवरेज है, 9 विकेट है। इस भाई ने अच्छा करा हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ में। डग ब्रैसवेल के डोमेस्टिक T20s का स्टैट्स क्या, क्योंकि इस भाई ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ में खेला नहीं है। 53 मैचेस में 61 विकेट है, एक्सपेक्टेड टू बोल इन डेट। स्कॉट टोगले जिनके यहाँ पे 105 में 101 विकेट है, ये छोड़ी के पाकिस्तान के खिलाफ में 7 मैचेस में 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म देखो आप, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में 2 मैचेस खेले थे उसमें 1 विकेट निकाला था, मैं कह सकता हूँ 1 मैच में 1 विकेट निकाला था, क्योंकि आपको पता रहेगा दूसरा मैच तो बारिश के कारण रद्द हो गया था। जैकब डफी ने क्या करा डोमेस्टिक T20s के अंदर, 63 मैचेस में 79 विकेट निकाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं डेथ ओवर में कौन बॉलिंग कराएगा, डग ब्रैसवेल, स्कॉट कोगलेजिन, जैकब डफी। यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेलते हैं तो आप देखो मोहम्मद रिजवान ने 1 मैच के अंदर 4 स्कोर करा था, तभी बहुत नीचे बैटिंग करते थे ना। रिसेंट फॉर्म देखो इनका, इन्होंने नेशनल T20 कप के अंदर क्या करा था, जब इनका रिसेंटली टूर्नामेंट होता अक्टूबर नवंबर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर इस भाई ने क्या करा था, आई थिंक अक्टूबर में हुआ था, तो उसमें इस भाई ने करा ये था कि 12 मैचेस खेले थे, 400 के आसपास रन था, 39 की एवरेज थी। इस भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था T20 कप के अंदर। यहाँ से अब्दुल्ला सफी के देखेंगे, ये देखो इनके स्टैट्स आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देता हूँ। इसने जब पहले बैटिंग करी ना तो 3 मैचेस में 32 की एवरेज है और 96 रन है, मतलब ठीक ठाक स्कोर से इस भाई के भी 3 मैचेस के अंदर। जब ये बंदा चेस करता है ना तो इस भाई ने 8 मैचेस खेले, 61 की एवरेज है डोमेस्टिक T20s के अंदर और 303 रन है। तो जब चेस करता है ना तो इस भाई की भूख थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि बंदा जब चेस करता है तो ज़्यादा अच्छा खेलता है। हैदरली देखेंगे आपको, यहाँ से इनका रिसेंट फॉर्म देखो आप कैसा है। इन्होंने खेला था जिसके अगेंस्ट में आपको पता रहेगा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज हुई थी। दोस्तों इतना आपके लिए स्टैट्स लेके आता हूँ, इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना आपको, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से मैंने आज तक कभी कुछ मांगा है, बस एक लाइक करने की बात रहती है। तो आप देखो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की इनकी रिसेंट सीरीज, इसमें 3 मैचेस खेले थे, 100 रन से 50 की एवरेज थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ये पहली पारी के अंदर ज़्यादा खुल के खेलते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी पारी के अंदर, 32 की एवरेज और 25 की एवरेज। दूसरी पारी के अंदर आएंगे मोहम्मद हफीज, एक नंबर खिलाड़ी दोस्तों, 14 मैचेस के अंदर 400 प्लस रन आए, 61 है, 3 विकेट है, बॉलिंग शायद ही कराएंगे। रिसेंट फॉर्म देखो, इसने जिम्बाब्वे के खिलाफ में एक मैच खेला था उसमें 36 रन करे थे, ठीक है। ऐसे तो उसने ऑफिशियली 2 मैचेस खेले थे पर एक ही बार इसको बैटिंग मिली थी तब 36 रन करे थे। आएंगे आशीष शादाब खान, 6 मैचेस के अंदर इसके 9 विकेट है पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, जिसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में ना अभी जो सीरीज हुई थी उसमें 3 मैचेस में 5 विकेट निकाले थे। इफ्तिकार अहमद का रिसेंट फॉर्म देखो, 12 मैचेस में 242 रन है, प्रैक्टिस मैचेस में ठीक करा था। इसको कब लेना है, जब आप टॉप ऑर्डर को हटाओगे ना तभी लेना, ऐसा मत करना आप टॉप ऑर्डर भी ले रहे हो भर से भर के एकदम और फिर आप क्या सोच रहे हो कि मैं इफ्तिकार अहमद को भी ले लूँ, ये गलत कर रहे हो आप। ऐसे बात वसीम दिखेंगे, इसका पाकिस्तान के तरफ से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में 7 मैचेस में सिर्फ 5 विकेट है, 40 रन है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। रिसेंट एक मैच खेला था 2 विकेट निकाले थे। फिर आएंगे आसिफ अली मशरफ, इनका कैसा परफॉर्मेंस है, 6 मैचेस में 5 विकेट है। ये मैं बताऊंगा स्वैनी के ऊपर क्या कर रहे थे, 25 रन है। रिसेंट फॉर्म देखो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 2 मैचेस में 1 विकेट था। आएंगे यहाँ से वहाब रियाज, 6 मैचेस के अंदर 6 विकेट थे और 54 रन है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक, 2 में 2 विकेट है। फ्राइडे के दिन क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़े से स्टार्ट अलग ले गया आपके लिए। ये फ्राइडे के दिन ना 48 मैचेस खेले, ठीक है, शुक्रवार के दिन, और इसने 70 विकेट निकाले हैं अपने करियर के अंदर। तो उनको शुक्रवार थोड़ा सा पसंद है, एक वीकेंड डेज पसंद है। फिर आते हैं यहाँ से शहीन शाफरीदी, 2 मैचेस के अंदर 3 विकेट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, और फ्राइडे के दिन 13 मैचेस में 17 विकेट है। हरी श्रॉफ आज तक इस टीम के अगेंस्ट में खेले नहीं, बहुत अच्छे गेंदबाज है, उभरते हुए सितारे हैं। डेथ ओवर में कौन बॉलिंग कराएगा, हरी श्रॉफ को ना दोस्तों BBL ने जगह दी है नेशनल टीम के अंदर, तो अपन यहाँ पे BBL के लिए ट्रिब्यूट रखते हैं, मेरे पसंदीदा टूर्नामेंट है सबसे। यहाँ पे बात करेंगे डेथ ओवर में कौन बॉलिंग कराएगा, वहाब जी कराएंगे, हरी श्रॉफ कराएंगे, शहीन शाफरीदी कराएंगे। यहाँ पे बात करते हैं जब स्वैनी के ऊपर मैचेस हैं तब क्या हुआ है, देखो आप यहाँ से मार्टिन गप्तिल ने स्वैनी के ऊपर 20 मैचेस खेले हैं, 650 के आसपास रन है, इनका होम ग्राउंड एक तरीके से। डेवन कॉनवे ने यहाँ पे 1 मैच खेला है, 41 करा था। गेन फिलिप्स ने यहाँ पे 3 मैचेस में 32 रन करे हैं, पता नहीं ये इनका होम ग्राउंड है तो भी रन्स नहीं कर रहे हैं, मैं चाहूंगा इस मैच में करेंगे यार। फिर आपको देखेंगे यहाँ से टिम शेफर्ड, 9 मैचेस में 119 रन है, रॉस टेलर खेलेंगे नहीं। निशम भाई साहब देखेंगे आपको, 4 मैचेस के अंदर यहाँ पे 68 रन है, 7 विकेट है, ठीक है। यहाँ से आएंगे फिर मार्क चैपमैन, 2 मैचेस में सिर्फ 24 रन है। मिचेल सैटनर के यहाँ पे 12 मैचेस में 10 विकेट है, 112 रन है। डग ब्रैसवेल के यहाँ पे 3 मैचेस में 2 विकेट है, 44 रन है स्वैनी के ऊपर। स्कॉट कोगलेजिन के यहाँ पे 5 मैचेस में 3 विकेट है, इस छोड़ी के यहाँ पे 9 विकेट है 8 मैचेस के अंदर। जैकब डफी ने यहाँ पे 2 मैचेस में 4 विकेट निकाला है, जिसका रीजन फॉर्म थोड़ा सा खराब था। जो अभी सीरीज हुई थी ना, कौन सी, फॉर ट्रॉफी, उसके अंदर इसने लास्ट मैच में थोड़े रन पिटवाए थे, विकेट्स भी 2 ही निकाले थे इस भाई ने। तो मैं चाहूंगा इस मैच में कमबैक करें, आप 2-3 टीमें ट्राई करें, जरूर करना इस भाई को, अच्छा गेंदबाज है। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे मोहम्मद हफीज ने खेले हैं 2 मैचेस,
85 रन था, एक मैच में भाई ने यहाँ पे 61 की नॉक खेली थी जो मैच विनिंग नॉक थी इनके लिए, ठीक है, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। शादाब खान ने यहाँ पे क्या करा, एक मैच में 2 विकेट निकाला। इमाद भैया ने यहाँ पे एक मैच के अंदर 18 की पारी खेली थी, 1 विकेट निकाला था। फहीम अशरफ ने दोस्त यहाँ पे एक मैच खेला था, 3 विकेट निकाले थे। देख कभी कभी चलते हैं जब अपनी कटर्स अच्छी डालते हैं, विकेट पे अच्छा डालते हैं, मोहम्मद के बाद आते हैं अपने यहाँ से हफीज़ के बाद वहाब रियाज, 2 मैचेस के अंदर 3 विकेट है, सेकंड सीनियर मोस्ट प्लेयर है मोहम्मद हफीज़ के बाद मैं कह सकता हूँ। अच्छे खासे गेंदबाज है, ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना है। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, प्लेयर बैटल की। आप देख रहे हो यहाँ से मार्टिन गप्तिल का स्ट्रगल किसके सामने, इनका स्ट्रगल शादाब खान के सामने, ठीक है। ये T20s के अंदर ना 18 बॉल के अंदर 3 बार आउट हो चुके हैं, ठीक है। सेम UGCL के सामने आउट होते थे, आपने देखा रहेगा जब भी सीरीज होती थी न्यूजीलैंड की और इंडिया की, तो ये ज़्यादातर ना दूसरी बारी के अंदर आउट होते हैं शादाब खान के सामने। वहाब रियाज का आप देख रहे हो, मतलब आप ऐसे मत करें यार, मार्टिन गप्तिल को हटा दो पहली पारी के अंदर, हटा सकते हो जिस दिन आपका दिन नहीं रहा तो फिर आप वहाँ पे नाराज़ हो जाओगे, तो मैं कह रहा हूँ दूसरी पारी के अंदर आप कॉन्फिडेंटली हटा सकते हो। वहाब रियाज यहाँ पे देख रहे हो, इनको आज तक T20 में कभी परेशान नहीं करा, लेकिन ODI के अंदर इस भाई को 38 बॉल में 2 बार आउट करा, इमाद वसीम में भी 1 बार आउट करा। फिर आते हैं टीम शेफर्ड, इमाद वसीम की पहली बॉल पे गोल्डन टक लिया था उस भाई ने। फिर आएंगे ऐसे ग्लेन फिलिप्स, इनका स्ट्रगल इनके सामने, इनका स्ट्रगल है शाहीन शाफरीदी के सामने, 2 बॉल के अंदर 1 बार आउट हुए हैं। शादाब खान ने इनको आउट करा है, फहीम अशरफ ने आउट करा है, तो इन्होंने आज तक कभी इनके खिलाफ ज़्यादा खेला भी नहीं है, बहुत पहले की बात है यार, कुछ आई थिंक 2-3 साल हो गए, तब तो खिलाड़ी ना उभर के आ रहा है। CPL के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर रहता है हर बार, और पिछली बार तो इस भाई ने शतक जड़ा था यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में। मोहम्मद हफीज़ का स्ट्रगल है मिचेल सैटन के सामने, ज़्यादातर 16 बॉल के अंदर 1 बार आउट में T20s के अंदर। ODI के अंदर आप देख रहे हो 67 बॉल के अंदर 2 बार आउट हो चुके हैं। फिर आएंगे यहाँ से शादाब खान, इनका स्ट्रगल है मिचेल सैटन के सामने, पहली बॉल पर गोल्डन टक लिया था, देख रहे हो 1 बॉल के अंदर 0 रन 1 बार आउट में। कॉमन कैप्टन आपको कौन देखेगा, हर जगह आपको देखेंगे, बबर आजम आपको नहीं बनाना है, सब बनाएंगे भी नहीं मेरे हिसाब से, जैसे लाइनअप आउट हो जाएगी, कुछ लोगों को पता नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने भाई है अपन गाइड करेंगे उनको। ग्लेन फिलिप्स देखो यहाँ पे सारी जनता कैप्टन बनाएंगी, मोहम्मद हफीज़ को बनाएंगी, आपको ग्रैंड लीग के अंदर किनको बनाना है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप पहले नंबर पे ट्राई करना मार्टिन गप्तिल को, ठीक है, पर दिक्कत क्या है, शादाब खान, अगर शादाब खान इस मैच में नहीं खेलते, शायद न्यूज़ ही आ रही थी कि शादाब खान यहाँ पे पहला मैच मिस कर सकते थे, ठीक है, शादाब खान, तो मैं सोच रहा था यार मार्टिन गप्तिल को कैप्टन बनाएं, लेकिन यहाँ पे शादाब खान खेल रहे हैं तो उन पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, मिचेल सैट जो अपने मार्टिन गप्तिल है ना उन पे थोड़ी सी। फिर आते हैं यहाँ से ग्लेन फिलिप्स, उनको ट्राई करना है। डेवन कॉनवे एक मुझे उभरते हुए सितारे लगे हैदर अली के साथ, मतलब दो खिलाड़ी है ना दूसरे नंबर पे, यही यंग टैलेंट्स है हैदर अली डेवन कॉनवे। शादाब खान को ट्राई करना है क्योंकि आपको बॉलिंग से कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो देगा ही देगा, और विद द बैट अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है टॉप ऑर्डर, क्योंकि टॉप ऑर्डर रहेगा ना जो यंग रहेगा, जैसे कि अब्दुल्ला सफी की देखेंगे आपको वहाँ से देखेंगे, मोहम्मद रिजवान, फिर आते हैं हैदर अली, तो यंग टॉप ऑर्डर रहेगा तो गलती से फ्लॉप हो जाता है, तो यहाँ से शादाब खान कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन है, तो आपको एक लॉजिक से टीम बनानी है। मोहम्मद हफीज़ यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है हमेशा की तरह। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई स्टैट्स गुरु जी यहाँ पे लेके आता है आपके लिए वीडियोस, आपके बिना कुछ नहीं, हमेशा समय कहता हूँ कहूँगा दोस्तों, मेरा फर्ज बनता है आपके लिए कहना। यहाँ पे मेरे कैप्टन है मोहम्मद हफीज़, शादाब खान वाइस कैप्टन है, आप कर सकते हैं यहाँ पे मार्टिन गप्तिल को। दिक्कत क्या आ रही थी यार, दिक्कत वही है कि शादाब खान इनको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, वरना दोस्त एक अच्छा खिलाड़ी है, भाई ने बहुत रेपुटेशन रखी इंटरनेशनल के अंदर, आप जानते हो, टिम शेफर्ड, ग्लेन फिलिप्स, डेवन कॉनवे, हैदर अली, यहाँ से मिचेल सैटन एक पंत के तौर पे ले रहा हूँ। यहाँ से क्या पता मैं डग ब्रेसल के बदले यहाँ पे वहाब रियाज को ले सकता हूँ, लगभग कंफर्म, अगर यहाँ से पाकिस्तान पहले बॉलिंग कराती है तब देखो यहाँ पे ग्रैंड लीग के अंदर आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप देख रहे हो ये खिलाड़ी है, ये ऐसा खिलाड़ी है, चलेगा तो मैक्सिमम पॉइंट देगा, वरना आपको कुछ नहीं देगा, तो आप उनको रख रहे हो तो कैप्टन बनाना, वरना मत रखना। मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, टिम शेफर्ड ओपनिंग करेंगे, तो क्या बात है यहाँ पे कि जो टिम शेफर्ड है ना लास्ट 2-3 मैचेस से आपने देख रहेगा कुछ रन्स नहीं कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा कमबैक करते हैं टिम शेफर्ड। मोहम्मद रिजवान एक यंग टैलेंट है, मतलब कि आपने देख रहेगा यार इंग्लैंड के अंदर जाके उस भाई ने शतक जड़ा था, आई थिंक जितना मुझे याद है शतक है तो 50 करी थी, बहुत अच्छी नॉक थी वहाँ पे, तो बहुत दमखम रखता है बंदा, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, तो आप इनको ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना, 5% से सिलेक्शन है उस भाई का, 11 टीम से खेल रहे हो तो 4 जेल टीम में रखना है इसको, कैप्टन मत बनाना बस एज ए नॉर्मल प्लेयर रखना। फिर यहाँ से टिम शेफर्ड को 11 टीम से खेल रहे हो तो 4-5 टीम में रखना, और ग्लेन फिलिप्स को रख रहे हो तो 4 टीम में रखना, ठीक है, और करना क्या, इस भाई को 1 या 2 टीम में तो कैप्टन रखना, ये आपको लॉजिक रखना है। फिर यहाँ से आएंगे बबर आजम, नहीं खेलेंगे, मार्टिन गप्तिल कभी कभी चलते हैं, इनका दिन रात तो चलते हैं, वरना रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा खराब है भाई का। हैदर अली इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, डेवन कॉनवे इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, ये दो खिलाड़ी तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो यहाँ से कौन है, अब्दुल्ला सफी, ये भी ओपनिंग करेगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, प्रैक्टिस मैचेस में 1 बार 34 करा, 1 बार आई थिंक 38 करा था, हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, 30-40 आपको पॉइंट्स करके जरूर देगा, तो आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना उस भाई को, एज ए नॉर्मल प्लेयर कैप्टन नहीं बनाना है। मोहम्मद हफीज़ ठीक ठाक खिलाड़ी, निशम भाई साहब वही कहा था आपसे कि कभी कभी चलते हैं इनका दिन रात, वरना नहीं चलते हैं,
मैक्सिमम पॉइंट्स आपको एक दिन के अंदर देखे जाएंगे, फिर अगले दो मैचेस में नहीं चलते ऐसे खिलाड़ी है। शादाब खान एक ठीक ठाक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्कॉट कोकलेजन अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कराती है तब ट्राई करना, डेथर में बॉलिंग कराएंगे। मिचेल सैटनर एक अच्छे गेंदबाज मुझे लगता है। इमाद वसीम एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। इमाद वसीम अगर पहले बॉलिंग कराते हैं ना तब ट्राई करना, वरना ट्राई मत करना। मिचेल सैटनर पहले बॉलिंग कराएंगे तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी पारी में भी अच्छा करते हैं मिचेल सैटनर, पर इमाद वसीम पहली पारी के अंदर बनते हैं अगर यहाँ से पाकिस्तान बॉलिंग कराती है ना पहली पारी के अंदर। यहाँ से आएंगे अफरीदी इंपॉर्टेंट, डग ब्रेसवेल ठीक ठाक कर रहे हैं, इनके बदले आप जगह डफी को रोटेट कर सकते हो एक दो टीम के अंदर। वहाब रियाज एक इंपॉर्टेंट मुझे गेंदबाज लगे। ये शोडी आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट शायद ही रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स इसमें को खेलना जानते हैं। यहाँ से अजीज श्रॉफ अगर पहले बॉलिंग कराती है पाकिस्तान तो लेना। यहाँ से आपको देखेंगे फिर फहीम अशरफ, 11 में से दो टीम में रखना बस मैक्सिममली। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली सर्च कर लेना @StatsGuruji। आप जैसे ही सर्च करते हो एक चैनल मिल जाएगा सर आपको करंटली 54,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। तो मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी।